वहीं हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से पहले जी मीडिया ने यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से खास बातचीत की है, देखिए। भाजपा की आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। हमारे साथ यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज बैठक की जाएगी, नेता का नाम चुना जाएगा, हालांकि नायब सैनी के नाम को लेकर जो है पहले ही माना जा रहा है कि उनका नाम ही फाइनल है। निश्चित रूप से हमने तो चुनाव से पहले ही केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि श्रीमान नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज एक विधायक दल की बैठक में औपचारिकता है और बहुत बड़े हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आ रहे हैं, मोहन यादव जी आ रहे हैं, तो जो भी फैसला संगठन को होगा प्रत्येक विधायक उसको खुले मन से स्वीकार करेगा जी। और कई नेताओं ने जो है पहले बयान आए उनके, चाहे वो राव इंद्रजीत का बयान आया या अनिल विज का बयान आया, तो कहीं की पार्टी के अनुशासन पर उससे फर्क पड़ता है इस तरह के बयानों से? ऐसा है, राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है और महत्वाकांक्षा व्यक्त करने में कोई भी बुराई नहीं है, परंतु अंततः जो संगठन का फैसला होगा, अनिल विज जी ने भी यही कहा है कि मैं वो मानूंगा और राव इंद्रजीत सिंह ने भी ये कहा है कि मैं अफवाहों को विराम देते हुए ये घोषणा कर रहा हूँ कि सभी जो मेरे से संबंधित विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए हैं वो पार्टी के अनुशासन को मानेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की बात को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर तो एक नाम फाइनल पहले से तय है, नायब सैनी ही का नाम तय है, लेकिन उसके अलावा मंत्रियों को लेकर जो संशय चल रहा है कि किन किन मंत्रियों को, विधायकों को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में और किस आधार पर जाएगी, क्या आधार पार्टी का रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिली? ऐसा देखिए, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है अपने मंत्रिमंडल के गठन करने का। वो वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करके कौन कितनी बार विधायक बना और किसका कितनी लीड का अंतर रहा, पार्टी के प्रति उसकी जो संगठन में भूमिका रही है वो पीछे कितनी सहयोगी की रही है, और केंद्रीय नेतृत्व के पास सारा ये खाका तैयार रहता है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरे के बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो जो कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण तो होगा, उसके अलावा कल ही मंत्रियों की शपथ भी दिलाई जाएगी या उसके लिए अलग से बाद में कार्यक्रम किया जाएगा? ऐसी संभावना है कि कल ही सबको शपथ दिलाई जाएगी, सभी लोगों को। जी जी। और क्या प्रधानमंत्री के अलावा क्या अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में? इसकी प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बड़ा कोई नहीं होता, बाकी जो भी होंगे वो जो भी नेतृत्व फैसला करेगा वो इसमें रहेंगे। किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसा है कि समाचार पत्रों के हिसाब से जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों को, जिनकी संख्या 16 के आसपास है, उन सबको इसमें आने का निमंत्रण दिया गया है। जी सर, एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ अलग से है कि अगर अब सरकार तो बन गई है, भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई है, तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा सरकार से बढ़ गई होंगी कि तीसरी बार भाजपा को मौका दिया है, तो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से इस बार सरकार काम करेगी? निश्चित रूप से जो रोड मैप पिछले 10 वर्षों में रहा है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, विकास की प्रक्रिया रुकने ना पाए और जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ उनके घर तक पहुंचे, इस प्रकार का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा रहेगा। शुक्रिया सर। तो यदि यमुनानगर से विधायक, भाजपा विधायक घनश्याम अरोड़ा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साथ साथ इन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भाजपा को मौका दिया है और पिछले 10 साल में जिस तरह से कार्यकाल रहा है, जिस तरह से लोगों की सेवा सरकार की ओर से की गई है, उन्हें सुविधाएं दी गई हैं, योजनाएं चलाई गई, उन्हें लाभ पहुंचाया गया है, इसी तरह से तीसरी बार जो है लोगों के लिए सरकार और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। बड़ी जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।